हेलो एवरीवन, आज जो हम इस वीडियो में ड्राफ्टिंग करेंगे वो है बेबी सनसूट की। ये बच्चों का गर्मियों में पहनने के लिए, समर्स के लिए बहुत बेस्ट गारमेंट है। इसमें क्या रहता है कि नीचे एक पैंटी स्टाइल का रहता है, ये दो तरह से बनते हैं, एक ब्लूमर वाला एक पैंटी स्टाइल का। तो ऊपर इसके बिब रहता है, पीछे से स्ट्रैप आके आगे फ्रंट में बंद होते हैं। तो इसको सिंपल ऐसे ही पहना जा सकता है कि अंदर टी शर्ट या शर्ट ना पहनाई जाए, लेकिन अगर इसके अंदर टी शर्ट और वो भी पहनी जाए, शर्ट भी, तो पहनी जा सकती है। अदरवाइज ऐसे भी पहना हुआ अच्छा लगता है। तो चलिए सनसूट की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये लाइन लगाई है, ए टू बी फुल लेंथ, जितनी सनसूट की लेंथ है वो ले लेंगे। ए टू सी, ये सी पॉइंट जो है ए और बी का सेंटर पॉइंट है। सी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब डी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट से ऊपर की तरफ 2 इंच जाएंगे। ये हमने किस लिए लेना है डी पॉइंट, कि नीचे जो ब्लूमर वाला हिस्सा है, नीचे लोअर बॉडी वाला, वो यहां आएगा, ऊपर वाले हिस्से में बिब आ जाएगा। तो डी पॉइंट जो सी पॉइंट जो सेंटर पॉइंट से 2 इंच ऊपर लिया है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये लेना है हमने, क्योंकि इसमें हिप का बच्चे का है, हिप का नाप नहीं लिया, तो इसमें लेंगे चेस्ट का तीसरा, चेस्ट का तीसरा प्लस 2 इंच। जहां पे भी आए हमने वहां पे ई निशान लगा लेंगे, डी टू ई चेस्ट का तीसरा प्लस 2 इंच। इसी तरह से बी पॉइंट को भी उतना ही ले लेंगे, एफ है ये भी उतना ही है जितना डी टू ई है, उतना बी टू एफ है। ई और एफ को आपस में मिला दिया सीधा। पहले हम ये बॉटम वाला हिस्सा बना लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, ई और एफ का सेंटर पॉइंट ले लेंगे। जहां इसका ई और एफ का सेंटर आएगा उसको ले लेंगे। जी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ई एंड एफ, ठीक है। अब बी से एच लेंगे, हिप का चेस्ट का 12वां। अगर हिप का नाप दिया हो तो हिप का 12, वैसे बहुत छोटे बच्चे का बन रहा है तो बच्चे का हिप और चेस्ट सेम रहता है। तो जहां पे भी आए एच पॉइंट ले लेंगे, बी टू एच चेस्ट का 12, और इस लाइन को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब G और H का सेंटर पॉइंट ले लेंगे। फ्रंट की शेप के लिए यहां से जो सेंटर पॉइंट लिया था 1 इंच लेंगे और उसको यहां पे मिला देंगे। और बैक पोर्शन के लिए इसी सेंटर पॉइंट से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे बैक का, एक मिनट इसको ठीक कर लूं मेरा हाथ। एक इंच पे फ्रंट की शेप होएगी और जो कम शेप है रेड वाली, ये 1/2 इंच की, ये बैक वाले पोर्शन की होएगी। ये वाला हिस्सा जो है ये कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑन फोल्ड रहेगा, तो ये इस तरह से, अगर आप इसको देखोगे तो ये बनाएंगे तो ये इस तरह से, और यहां पे गैदर्स आ जाते हैं इस वाले हिस्से में जो है, पाइपिंग लगा के या कुछ भी उसमें गैदर्स आ जाते हैं। अब बनाते हैं बिब वाला हिस्सा। बिब वाला हिस्सा बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोर्शन में इसकी विड्थ ले लेंगे। विड्थ लेनी है इसकी, जितना स्ट्रैप विड्थ चौड़ा रखा जाएगा, जैसे कम से कम बच्चे का 1.5 इंच चौड़ा स्ट्रैप रहेगा जो पीछे से आके बंद होगा,
तो 1.5 इंच वो और चेस्ट का 12 जितना आया, ये है चेस्ट का 12 प्लस 1.5 इंच यानी कि जो स्ट्रैप की चौड़ाई है उतनी चौड़ाई ले लेंगे जहां पे भी आए इसको यहां मिला देंगे। ये है एच है, ये आई और ये जे, ए यानी कि ए टू आई है चेस्ट का 12 प्लस 1.5 इंच, उसको स्ट्रेट नीचे मिला दिया। अब बिल्कुल ऊपर से शोल्डर से तो बिप स्टार्ट नहीं होगा, तो हम इसके लिए 2 इंच जो है स्ट्रैप का यहां पे छोड़ देंगे और इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। ये है ए टू के, ये है 2 इंच। अब यहां पे जितना हमने स्ट्रैप 1.5 इंच रखा था वो 1.5 इंच को यहां पे निशान लगा देंगे। ये 1.5 इंच है जितना चौड़ा हमने स्ट्रैप रखा है। ये गले की चौड़ाई है, चेस्ट का 12 बचेगा, चेस्ट का 12 बचेगा जब हमने 1.5 इंच का ले लिया, तो उतना ही चेस्ट का 12 यहां पे निशान लगा लेंगे और उसका नेक इस तरह से बना देंगे। ये वाले हिस्से में तो स्ट्रैप आ रहा है ना पीछे से। अब इसके ऊपर ये बिब हमारा रेडी हो गया। अब बिब के अंदर आप चाहो तो इस जगह पे सेंटर लगा के किसी भी शेप में यहां चेस्ट का 12 लेके किसी भी शेप में ये कट जाए, ये शेप में मैं जैसे मैंने इस शेप में बना दिया बिब, तो ये वाला शेप जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा हिस्सा जो है ये कट जाएगा। यहां पे भी ऑन फोल्ड है, यहां पे भी ये ऑन फोल्ड है, ये वाला हिस्सा भी कट जाएगा। पीछे से स्ट्रैप आएंगे इसी पे, बैक साइड पे जैसे स्ट्रैप बनते हैं सिंपल 1.5 इंच के लेके दोनों तरफ से स्ट्रैप बनके इसके साथ इस जगह पे अटैच हो जाएंगे। यही स्ट्रैप पीछे से आता हुआ यहां पे अटैच होगा। ये मैं सिर्फ इसकी शेप बनाने के लिए, अदरवाइज रेड कलर का नहीं था, अलग से दिखाने के लिए कि ये बिब अलग से इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से बनेगा, पीछे से स्ट्रैप आएगा और स्ट्रैप इसके साथ फ्रंट में अटैच हो जाएगा। तो ये एक तरह का सनसूट जो पैंटी स्टाइल है वो वाला बनके रेडी हो जाएगा।